जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और बहुत सारे कमेंट फिर से आए कि आप फिर से बफेलो मिल्किंग की वीडियो अपलोड करो, इसीलिए आज मैं आपके लिए बफेलो मिल्किंग की वीडियो लाई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर ये मेरा छोटा सा गार्डन है घर के बाहर, जहाँ पे बहुत सुंदर से अबोली के फूल आए हुए, और देखो कितने प्यारे से फूल है। और ये फूल बहुत दिनों तक ख़राब भी नहीं होते, और मुझे फूलों से और बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसीलिए मैंने हमारे घर के पीछे लगवाए हुए। और ये बहुत सुंदर से आते हैं। ये साउथ इंडियन फूल है, लेकिन हमारे यहाँ भी हमने लगाए हुए है, इसी मुझे बहुत पसंद है। और ये हर जगह आसानी से आते हैं, और एक पौधा आ गया तो बहुत सारे आ जाते हैं तुरंत ही। और मैं ये तोड़ रही थी क्योंकि मुझे इसका गजरा बनाना था, और इससे बहुत सुंदर माला बन जाती है। और भगवान को भी हम चढ़ाते हैं, बालाजी तिरुपति बालाजी को भी ये बहुत पसंद है, इसलिए उनके लिए भी मैं माला बनाती हूँ। लेकिन अभी ये मैं मेरे लिए बना रही हूँ, बनाने के लिए तोड़ रही हूँ। और देखो कितने सुंदर सुंदर फूल है, और पौधे भी बहुत सुंदर लगते हैं। और ये बहुत दिनों तक पेड़ पे खड़े रहते हैं, इसीलिए मैं जो छुपे हुए फूल है वही तोड़ लेती हूँ, ताकि घर के बाहर पौधे पर फूल भी अच्छे दिखे। इसीलिए जो अनचाहे बाद साइड में आते हैं उसी को तोड़ लेती हूँ, और जो ऊपर से दिख रहे होते अच्छे अच्छे उसे वैसे ही रख देती हूँ, ताकि जब हम घर से बाहर आए तो हमें बहुत अच्छा सा लगे। इसलिए और ये हमारे बफेलो के बछड़े इधर उधर से घूम रहे थे वगारू, तो उसको भी हमने यहाँ पर गोटे पे ला लिया है फार्म पर, क्योंकि वो अभी शाम होने को आई है और तभी भी फिर घूम रहे थे इधर उधर, तो ये इधर आ ही नहीं रहे थे। तो फिर हमने ऐसे को घुमा के लाया, तो देखो एक ऐसे छुप कर फिर से बाहर वापस जाने जा रहा है भाग के। बहुत परेशान करते हैं, जैसे छोटे बच्चे परेशान करते हैं ना, ये भी उसी तरह के होते हैं। और फिर से वो भाग गया, और अभी थोड़ी देर में हम फिर जाएंगे और उसको लेके आएंगे। अभी वो गया ना, उसके पीछे जाने पर भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो अभी नहीं आएगा। फिर अभी इधर ही थोड़ा सा कुछ और निपटा लेते हैं काम। और ये दोनों तो पहले से आ गए थे,
इसीलिए हमने इनको बांध दिया था, लेकिन वो तो गया भी, और ये भी वो गया तो इसको इनको भी बहुत ऐसे लगता है कि मैं कब जाऊंगा उनके पीछे। और फिर थोड़ी देर के बाद उसको भी लेकर आएंगे, और अभी एक तो यहाँ पे छुपके बैठा था, उसको देखो कैसे छूट कर आया, तो ये कैसे परेशान कर रहा है मासी को, कपड़े पे मुंह डाल रहा था, मासी कपड़े धो रहे थे यहाँ पे। तो अभी मैंने इसको फिर से बांधने के लिए लेकर जा रही हूँ, लेकिन अभी ये फिर देखो कैसे परेशान करता है। और इसने मुझे बांधने नहीं दिया, ये भी भाग गया, और अभी देखो 1 से 2 3 4 सब भाग गए उधर। और अभी मैंने वो पल्ली भी निकाल ली थी, दूध मिल्किंग भी करना था, तो टाइम हो रहा था, फिर बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो इतने सारे बफेलोज का मिल्क निकालना होता है तो बहुत टाइम जाता है। और अभी देखो अब भी साफ किया था, फिर इसने चांदी ने गोबर डाल दिया, फिर बाबू बाबू साफ कर रहे, और इसी तरह से काम बीच बीच में हमारा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। यहाँ पर चांदी और काजल देखो मुझसे कैसे लड़ाई कर रही है और कैसे गुस्सा दिखा रही है, तो मुझे बहुत हंसी भी आती है और मज़ा भी आता है इन दोनों के साथ मस्तने में। और मुँह सिर ऐसा हिलाती है जैसे मानो टूट पड़ेंगे हम पर, लेकिन वो कुछ भी नहीं करती। और अभी जो भाग गए थे उन सबको मैं भगा के लाएंगे हम मिलकर, अभी बहुत परेशान कर लिए, अभी देखते हैं कैसे नहीं जाते अपने अपनी जगह पे। अभी मैंने बड़ा सा गन्ना उठा लिया ताकि उनको डर जाए हो और सीधे अपने अपनी जगह पे जाए, और देखो कैसे भाग रहे हैं चुपचाप से अपने अपनी जगह पर। कब का परेशान कर रखा था, लेकिन इनको जब तक हाथ में कुछ ले हो ना तो ध्यान से हमारी बात सुनते नहीं, इसीलिए लेना पड़ा। और गन्ना उठाते सब अपने अपनी जगह पे आ गए, अभी इनको यहीं पर बांध देते हैं। Thank you.
इसी तरह से मेरी इवनिंग रूटीन थी, और देखा आपने बहुत सारे से हल्के फुल्के काम, और उसके साथ बहुत सारी हंसी मस्ती के साथ हमने हमारे काम खत्म किया। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।